बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल आफिया नूर। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट कच्चे आलू की टिक्की। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 से 3 कच्चे आलू और 1 कप लिया है हमने पोहा, 1 कप हमने सूजी ली है और इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम आलूओं को कद्दूकस करेंगे। आलू कद्दूकस करने के बाद इन्हें हम पानी से अच्छे से धुल के और इन्हें निचोड़ के रख लेंगे। हमने आलूओं को कद्दूकस करके इन्हें अच्छे से धुल के एक बाउल में कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे सूजी 1 कप, पोहा 1 कप और इसमें डालेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, साबुत जीरा डालेंगे इसमें 1 चम्मच, हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई 1 चम्मच, हरा धनिया डालेंगे, आमचूर डालेंगे इसमें 1 चम्मच और इस मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर करीब 2 चम्मच। इन्हें अच्छे से मिक्स करके इनकी हम टिक्की बना लेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है और अब हम इसमें आलू की टिक्की डालेंगे। हम एक एक टिक्की करके डालते जाएंगे और इन्हें 1 मिनट सिकने देंगे। 1 मिनट सिकने के बाद अब हम इन्हें पलट देंगे और पलट कर इन्हें मीडियम गैस पर हम सिकने देंगे करीब 1 मिनट। 1 मिनट बाद हम इसे फिर से पलट देंगे और दोबारा इन्हें सिकने देंगे। इसी तरह हम पलटते हुए इन्हें सेक लेंगे। इन्हें सिकने में करीब 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। गैस को हम मीडियम रखेंगे। और जब हमारी टिक्कियाँ सिक जाएंगी तब हम इन्हें निकाल के एक प्लेट में रखेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इन्हें हम सॉस और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।